टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को रोमांचक मैच में 2 विकेट से हराया, सीरीज भी किया अपने नाम। अक्षर पटेल ने खेली धमाकेदार पारी। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का दूसरा मैच त्रिनिदाद के क्वीन पार्क ओवल स्टेडियम में खेला गया। दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलसन पोरे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने साई होप के 100वें वनडे मैच में शतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 311 रन बनाई। भारत को 312 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने आखिरी ओवर में 4थी गेंद पर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने 8 शतक जड़े। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला, क्योंकि उन्होंने 1 विकेट भी अपने नाम किया था। इस मैच को 2 विकेट से जीतकर भारत ने सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। पहले वनडे में सस्ते में आउट होने वाले साई होप ने बल्लेबाजी की भूमिका में बेहतरीन ढंग से निभाई। उन्होंने काइल मेयर्स 39 के साथ पहले विकेट के लिए 65 रन और फिर शाम राह ब्रूस के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 रन की भागीदारी निभाई। उसके बाद कप्तान पूरन के रूप में होप को अच्छा जोड़ीदार मिला, जिसमें दोनों ने 4थे विकेट के लिए 126 गेंद में 117 रनों की साझेदारी निभाई। पूरन ने 77 गेंदों में 6 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेली। सो दोस्तों, भारत ने इस मुकाबले को 2 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।